दोस्तों, एस्ट्रोइड को हिंदी में उल्कापिंड कहते हैं और हमारे सौरमंडल में ऐसी लाखों छोटी बड़ी चट्टानें हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हुए कई बार पृथ्वी के निकट आ जाती हैं, निकट से गुजर जाती हैं या उसके वायुमंडल में आकर जलकर टुकड़े टुकड़े होकर धरती पर गिर जाती हैं। अतीत में इन उल्कापिंडों से कई बार धरती पर जीवन लगभग समाप्त हो चुका है। एक बार फिर मंडरा रहा है डायनासोर के जमाने का खतरा। दोस्तों, अंतरिक्ष में भटक रहा सबसे बड़ा अपोफिस नाम का एस्ट्रॉइड 19 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से धरती की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, रूसी वैज्ञानिकों ने कहा है कि इस दशक के आखिरी तक धरती के सबसे बड़े परमाणु बम से 30 गुना ज्यादा शक्तिशाली एस्ट्रॉइड हमारे ग्रह के बहुत करीब आ रहा है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में गणना करके ये अनुमान लगाया है कि एस्ट्रॉइड अपोफिस अप्रैल 2029 में धरती के बेहद करीब से गुजरेगा। पहले अनुमान लगाया गया था कि यह एस्ट्रॉइड साल 2068 में गुजरेगा, लेकिन ताजा गणना के अनुसार इसे गलत बताया गया है। रूसी वैज्ञानिकों ने बताया है कि यह विशाल आसमानी चट्टान अपोफिस धरती की सतह से 39,000 किलोमीटर दूरी से गुजरेगा और ये वही दूरी है जहां पर वर्तमान समय में टीवी पर चैनलों के प्रसारण के लिए सैटेलाइट स्थापित किए जाते हैं। अपोफिस कितना शक्तिशाली है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये अगर पृथ्वी से टकराता है तो 88 करोड़ टन TNT के बराबर विस्फोट धरती पर होगा। ये एस्ट्रॉइड 1115 फुट चौड़ा है और बहुत तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा है। अपोफिस नाम का ये एस्ट्रॉइड आकार में फ्रांस के एफिल टावर से बड़ा है। इस एस्ट्रॉइड की खोज अमेरिका के एरिजोना की वेधशाला में 19 जून 2004 को की थी। इसके बाद से एस्ट्रॉइड पर वैज्ञानिकों की नज़र है। वैज्ञानिकों ने इससे पहले एस्ट्रॉइड को सुबारू टेलीस्कोप के जरिए पता लगाया था और इसकी स्टडी करने पर पाया कि ये एस्ट्रॉइड सूर्य की रोशनी में गर्म हो रहा है। नासा ने इस एस्ट्रॉइड को तीसरा सबसे बड़ा खतरा बताया है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एस्ट्रॉइड जब धरती के पास आएगा तब इसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल पाएगी। उन्होंने कहा है कि ये तो स्पष्ट है कि एस्ट्रॉइड धरती से नहीं टकराएगा और सुरक्षित तरीके से धरती के पास से होकर गुजर जाएगा। एस्ट्रॉइड का धरती के पास आना अपने आप में बेहद अहम घटना है, क्योंकि ऐसा पहली बार होगा जब इस तरह का खतरनाक और विशाल एस्ट्रॉइड पृथ्वी के इतने करीब आ रहा है। वैज्ञानिकों ने कहा है इस एस्ट्रॉइड से धरती के उपग्रह और स्पेस स्टेशन भी सुरक्षित रहेंगे। ये एस्ट्रॉइड निकेल और लोहे से बना है और इसका आकार अब मूंगफली की तरह होता जा रहा है। हालांकि शोधकर्ताओं ने यह भी कहा है कि अभी इस पर और स्टडी करने की जरूरत है। इससे पहले की स्टडी में कहा जा रहा था कि इस एस्ट्रॉइड को धरती से टकराने की संभावना केवल 2 से 3% ही है। तो दोस्तों, अब ये एस्ट्रॉइड धरती से टकराता है या नहीं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और आपका क्या सोचना है इस बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी और ऐसे ही टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।